दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी बैठक बेनतीजा रही है। विपक्षी गठबंधन की बैठक, ना ही सीट शेयरिंग पर कोई बात हो पाई, आगे बढ़ी है, और ना ही प्रधानमंत्री पद पर कोई सहमति बनी। और एक तरफ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि गठबंधन करना है तो 1 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग का खाका तैयार कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ने को तैयार है। कई दलों ने कांग्रेस के 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन की आलोचना भी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी 28 विपक्षी दलों के बीच मैराथन मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में 2 अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में सबसे पहले चर्चा सीटों के बंटवारे पर हुई। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई, जबकि कांग्रेस की कोशिश है कि वो 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। सीट शेयरिंग के अलावा विपक्षी गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों मुद्दों पर बैठक में शामिल नेताओं ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल कई पार्टियां जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर लेने के पक्ष में हैं। तो 3 घंटे चली विपक्ष की बैठक किन किन मुद्दों पर हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस बैठक में, वो आपको बताते हैं। तो बैठक में सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। हालांकि सीट शेयरिंग पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। मीटिंग में इंडी गठबंधन के कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा भी हुई, वैकल्पिक एजेंडा और मुद्दे पर बात की गई। यानी बैठक में रणनीति बनाई गई कि बीजेपी के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। चुनाव अभियान और मैनेजमेंट पर भी मंथन हुआ। सांसदों के निलंबन पर भी मंथन इस बैठक में किया गया। तो विपक्ष की इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है। बैठक में सीट शेयरिंग से जुड़ी और जो जानकारी सामने आई है वो भी अब आपको बता देते हैं कि क्या क्या और बैठक में जो है चर्चा की गई है। सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की डेडलाइन, ये कह दिया गया कि इसी साल 31 दिसंबर तक आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दे दीजिए। ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया है, वो अपने राज्य में सिर्फ 2 सीटें छोड़ रही हैं कांग्रेस के लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि शक्तिशाली दल की बात मानी जाए, एक तरीके से कह रही है कि शत्रुओं की बात मानिए क्योंकि आपका प्रदर्शन खराब रहा, ये कांग्रेस से कहा गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ने को तैयार, और उसका कारण कि आप देखिए कि कांग्रेस की हालत 3 राज्यों के चुनाव में क्या हो गई है। टीएमसी ने मेघालय में भी 1 सीट मांगी है इस बैठक में कि 1 सीट हमें मेघालय में भी दीजिए। ममता ने कांग्रेस को देश भर में 300 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है कि आप 300 सीटों पर लड़िए। कांग्रेस से एक आ गया ममता बनर्जी की ओर से। सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला और ये ममता का अल्टीमेटम दिया गया है। इंडी गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर क्या कुछ कहा विपक्ष के नेताओं ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं, नहीं अभी सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी।